हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां। तो हम पहली नदी है नर्मदा नदी, प्रदेश की जीवन रेखा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से होता है। उद्गम यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसका एक और नाम है मध्य प्रदेश की गंगा। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर पर मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। का जो प्रवाह क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश। यह नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है नर्मदा के बेसिन का क्षेत्र। ये बहुत बार पूछा जाता है कि नर्मदा का कितने प्रतिशत क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, या नर्मदा नदी के बेसिन का कितना प्रतिशत क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। 89.9% मध्य प्रदेश में स्थित है, 2.7% महाराष्ट्र में, और बाकी कितना बचता है बचा 8.5% गुजरात में। इसका बेसिन नर्मदा नदी पर जो प्रमुख जलप्रपात है, पहला जलप्रपात है हमारा भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में, कपिलधारा, अधिकतर इसके जो जलप्रपात है उनमें सब में धारा लगा हुआ है, कपिलधारा, दुग्धधारा, ये अनूपपुर में स्थित है। चार जलप्रपात ये जबलपुर में है भेड़ाघाट नामक स्थान पर। तो धारा महेश्वर में, पर कई प्रकार की परियोजनाएं चल रही है जैसे कि इंदिरा सरोवर खंडवा में है स्थित है, सरदार सरोवर गुजरात में योजना, देखिए नर्मदा नदी इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है।
यह अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से निकली हुई है, यानी कि इसका उद्गम क्षेत्र है अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से माना जाता है, जिसे हिंदुओं का तीर्थ स्थान भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, जबकि मध्य प्रदेश में इसका कुल प्रवाह क्षेत्र है 1077 किलोमीटर। यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, ये प्रदेश में महाराष्ट्र में और गुजरात में प्रवाहित होती है, और यहाँ से प्रवाहित होती हुई फिर खंभात की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसका जो बेसिन है यानी तीन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र है 89.9%, जबकि महाराष्ट्र में इसका 2.7% और गुजरात में 8.5% क्षेत्र या इसका बेसिन क्षेत्र है। नर्मदा नदी कई प्रकार के जलप्रपात बनाती है, जहां से इसका उद्गम स्थल है वहां पर अनूपपुर में ही ये दो जलप्रपात का निर्माण करती है, कपिलधारा और दुग्धधारा। उसके आगडर जलप्रपात का निर्माण करती है, देखने में बहुत ही रमणीय और सुंदर प्रतीत होता है, इस कारण से यह स्थान पर्यटक स्थल भी बन गया है। आगे आने पर खरगोन में महेश्वर के निकट यह सहस्त्रधारा का निर्माण करती है, और उससे थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ दर्दी और मांधार जलप्रपात बनाती है। इस नदी पर कई प्रकार की बांध या परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि इंदिरा सरोवर जो कि खंडवा में है, सरदार सरोवर जो कि गुजरात में है, और महेश्वर परियोजना महेश्वर में चल रही है। इस नदी की सहायक नदियां हैं जैसे कि तवा, शकर, दूधी, हिरन, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। 1985 में मध्य प्रदेश नर्मदा प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह नदी उत्तर व दक्षिण की सीमा रेखा बनाती है। उत्तर और दक्षिण यानी जो हमारा उत्तरी भारत हो गया और दक्षिणी भारत, दोनों को अलग करने का काम कौन करती है? नर्मदा नदी दोनों को अलग करने का कार्य करती है, यानी कि यह सीमा बनाती है। मेघा पाटेकर, इन्होंने नर्मदा बचाओ का अभियान चलाया। ये कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित कौन है, तो हमें ध्यान रखना है मेघा पाटेकर। एक बार फिर से देख लेते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। यह इस नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से माना जाता है, अमरकंटक को हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये भारत की बड़ी नदियों में इसका स्थान पांचवा, यानी भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी। यह महाराष्ट्र में प्रवाहित, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, और इसका जो मध्य प्रदेश में बेसिन क्षेत्र है वो है 89.9%, महाराष्ट्र में 2.7% और गुजरात में 8.5%। यह कई प्रकार के जल करती है। अनूपपुर में ही जहाँ इसका उद्गम स्थल है वहाँ पे दो जलप्रपात बनाती है, कपिलधारा और दुग्धधारा। जलप्रपात है सब में अधिकतर धारा धारा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा हमें याद रखने में आसान हो जाएगा, जैसे कपिलधारा हुआ, दुग्धधारा हुआ। आगे जबलपुर में भेड़ाघाट के निकट ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, फिर महेश्वर में सहस्त्रधारा और उसके आगे दर्दी और मांधार जलप्रपात बनाती है। इंदिरा सरोवर जो कि खंडवा में है, कई परियोजनाएं इसके ऊपर चल रही हैं, जैसे कि इंदिरा सरोवर, सरदार सरोवर और महेश्वर परियोजना महेश्वर में है। इसकी सहायक नदियां हैं दूधी, शक्कर, हिरण, तवा, और 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश नर्मदा प्राधिकरण की स्थापना की गई। मेघा पाटेकर जो कि नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है।
इन्होंने नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया है जिसे नर्मदा बचाओ अभियान कहा जाता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे चंबल नदी।